जोशीमठ में लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का काम जारी है। अभी तक 145 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें आई हैं। इसके साथ ही 86 घरों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। जोशीमठ में मकानों में आई दरार के मामले में सरकार ने मुआवजे की रकम को 1,30,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। इस बीच सीएम पुष्कर धामी बुधवार को जोशीमठ पहुँच गए और पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम धामी ने पूरी रात जोशीमठ में ही बिताई। इस दौरान सीएम धामी ने जी न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया है। एक दीर्घकालिक काम थे, उन कामों को हमने जल्दी करने के लिए वो निर्णय लिया है। NDMA है और हमारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, वो सब भी अपने सर्वेक्षण कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ का एक प्लान बनाएंगे। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक शहर है और बहुत महत्व का शहर है, सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का शहर है। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवार। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सब की रक्षा करें। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला लिया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। इसी मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली बनाने वाली कंपनी NTPC ने कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का जोशीमठ में हो रहे लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जोशीमठ लैंडस्लाइड के लिए NTPC के ही एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगातार जिम्मेदार बताया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति और RSS नेता गुरु गोलवरकर तक को नफरती बता दिया। मनुस्मृति लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री के मुताबिक रामचरितमानस समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाई से रोकता है। रामचरितमानस में जो निचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा अहि दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति मतलब नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा, जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक पुस्तक के विमोचन में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र क्रांति का आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी इतिहासकारों ने सही विवेचना नहीं की है। शाह ने 1857 के गदर आंदोलन को एक योजनाबद्ध और सोची समझी रणनीति के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ी गई स्वतंत्रता की लड़ाई बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की किताब के विमोचन के मौके पर कहा। गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र क्रांति करने वाले सभी देशभक्त लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र क्रांति करने वाले सभी देशभक्त लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन उनके अंदर मानवीय मूल्य उतने ही मौजूद थे, लेकिन उनके योगदान को भुला दिया गया। कि अगर सशस्त्र क्रांति की समांतर धारा न चली होती तो शायद कई दशक और लग जाते। समग्र देश के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ वंदे मातरम लिखकर चेतना को जागृत किया था, क्या इसका कोई योगदान नहीं? समग्र देश के अंदर गदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अनेक जगह पे एक जबरदस्त चेतना की जागृति की, निर्माण भी किया था चेतना, सुसुप्त चेतना को जागृत भी किया और चेतना का निर्माण भी किया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी में अहिंसक लड़ाई को भी उतना ही अहम माना और कहा कि अहिंसा आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया आजादी का, जिसमें एक हिस्से को ही महत्व दिया गया, लेकिन और लोगों का भी योगदान है और सान्याल की नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरी एक नया नैरेटिव सेट करती है। यू
यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण से जुड़े मामले में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। इससे ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। पुलिस जांच में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में अब टेरर फंडिंग का एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आरोपी लगातार विदेशों से फंडिंग की डिमांड कर रहे थे। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी अमेरिका, कनाडा, लंदन जैसे देशों से पैसे की मांग कर रहे थे और उससे गरीबों को प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम से ये लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ी कलीसिया का शुभ चिंतक हूँ और ईसाई समुदाय मेरे साथ हैं, तो ये गरीबों को बेवकूफ बनाता है, जो कि UGC ने साफ लिखा है एफिडेविट में कि आप इलिटरेट मैसेज को चीट मत करिए, ये चीट करता है। ये उनके ब्रेन वॉश करके और उनसे भी चंदा लेता है ये। सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। पिछले साल ही फतेहपुर में 56 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां भी की थी। इस वक्त भी 14 लोग जेल में हैं, 26 आरोपी अग्रिम जमानत पर बाहर हैं और 3 आरोपी फरार हैं, जिनके संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को लेकर लगातार पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से महिला की सुरक्षा को लेकर एक वारदात सामने आई है। दिल्ली में देर रात महिला उबर कैब चालक से सड़क पर लूटपाट का मामला सामने आया है। ये मामला 9 जनवरी का है, जब देर रात 3 बजे महिला कैब ड्राइवर प्रियंका रात की सवारी को पिक करने कश्मीरी गेट पहुंची। तभी ईंट से गाड़ी पर हमला हुआ। जैसे ही प्रियंका ने गाड़ी रोकी, दो लोग लूटपाट करने के लिए गाड़ी के सामने आ गए। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने मेरे सिर पर बोतल मारी। महिला का खून बहता देख दोनों लोग मौके से भाग गए। पहले तो दो लोगों ने आए, वो उन्होंने गाड़ी पे शीशा मार के, गाड़ी पे ईंट मार के मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ में लूटपाट करने की कोशिश की। उस बीच में जब उनसे मेरी हाथापाई हो गई, फिर उन्होंने गले पे मेरी बोतल मार दी, कांच की बोतल से मेरे ऊपर हमला किया गया। महिला का कहना है कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, पैनिक बटन भी दबाया था लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद एक बस आई, उनमें से एक शख्स ने पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद रात 3:35 पर पुलिस आई। नहीं सर, मेरी मदद किसी ने भी कोशिश करने की नहीं की, जबकि मैंने कई ऑटो वालों को रुकवाया, बाइक वालों को रुकवाया, पर सब आए और मेरी फोटो वीडियो लेकर चले गए। और पुलिस मेरे पास कॉल करने के आधे घंटे के बाद आई, जबकि पुलिस मेरे से 300 मीटर की दूरी पे ही खड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि टैक्सी की पैनिक बटन ने काम क्यों नहीं किया और उस वक्त दिल्ली पुलिस की PCR कहाँ थी। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में सड़क के किनारे बनी दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है। आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पानीपत जिले में आज सुबह एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से घर में मौजूद परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में दंपत्ति समेत उनकी 2 बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पानीपत तहसील कैंप क्षेत्र में मृतक किराए पर रहते थे, जो दिनाजपुर बंगाल के रहने वाले थे। सिलेंडर में आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आंध्र प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। विशाखापट्टनम में कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन के मेंटेनेंस के दौरान वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में ट्रेन के शीशे फूट गए हैं। राममूर्ति पंतुलुपेटा कंचार पालियम के पास हुई इस घटना में ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन सेमरी पाले में कोच मेंटेनेंस सेंटर जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने इस पर पत्थर फेंका। It's around 6:30 somebody pelted stone on the brand new Vande Bharat rake and two of the window panes have been totally shattered. We will have to replace them.
चूंकि पथराव की घटना हाई प्रोफाइल ट्रेन से जुड़ी है, पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लिहाजा रेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे का कहना है कि पथराव करने वाले कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। We have identified some suspects and our RPF is after them. I am hopeful we will be taking very strong action against this kind of people. We are trying to follow some CCTV cameras and all. पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना करने वाले थे। यह ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी। इस दौरान यह वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री में रुकेगी। इससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए थे। इस घटना में हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के दो डिब्बों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे। देश के सबसे संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशनों में से एक अंबाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध ने स्टेशन की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में लगी टीम ने तुरंत सीसीटीवी में संदिग्ध की हरकत की सूचना पेट्रोलिंग टीम को दी और फौरन ही संदिग्ध पर काबू पा लिया गया। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि संदिग्ध जिसने एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की कोशिश की उसका नाम रामू है और वो यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। एयरफोर्स स्टेशन से जो है हमारे पास एक कॉल आई 112 पे कि एयरफोर्स स्टेशन की जो अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं उन्होंने ही जो है एक बंदे को दीवार कूदते हुए उन्होंने पकड़ा। सीसीटीवी में पहले उन्होंने देखा मूवमेंट, उसके बाद वो मौके पे गए, उन्होंने वहां से उसको पकड़ा। एयरफोर्स स्टेशन की टीम ने आरोपी से पूछताछ के बाद संदिग्ध को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इंडियन सीक्रेट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस की तैयारी अब आरोपी को रिमांड पर लेने की है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।